अक्सर आम लोगों से एटीएम और फर्जी आईडी बनाकर जालसाजी करने का मामला सामने आता है, लेकिन अब बेखौफ जालसाज द्वारा पुलिस से भी जालसाजी करने का मामला सामने आया है। एक ऐसा ही मामला गोरखपुर में सामने आया, वो भी गोरखपुर पुलिस के बड़े अधिकारी से। आपको बता दें कि गोरखपुर में आईपीएस दिनेश कुमार प्रभु बतौर एसएसपी पद पर गोरखपुर में तैनात है। बीती रात एसएसपी को उनके परिचितों द्वारा जानकारी मिली कि उनके फेसबुक आईडी से कोई उधार रकम मांग रहा है, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पैसे की जरूरत नहीं है और रकम ना देने की बात कही। मेरे परिचित और दोस्तों से पैसे मांगने की कोशिश की गई, पहले से लोग अवेयर थे इसलिए मेरे तक सूचना पहुंची। तत्काल मैंने साइबर क्राइम सेल में कंप्लेंट दर्ज किया और साथ साथ उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता से अपील है, किसी भी अधिकारी, किसी भी प्रोमिनेंट पर्सन का या सेलिब्रिटी का किसी ने भी फोटो लगा के आपसे पैसे मांगे, ज़रूर उस पर आप संबंधित व्यक्तियों से सीधे संवाद करने की कोशिश करें, क्योंकि साइबर अपराधियों को ये भी एक मोडस ऑपरेंडी है कि आपकी या किसी अन्य लोगों की फर्जी प्रोफाइल आईडी फेसबुक या फिर व्हाट्सएप में भी नया नंबर से अपने फ़ोटो लगा के किसी से भी पैसे मांग सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, कतई उसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं।